करने जा रहे हैं। आप सबको जानकारी होगा कि बिहार में 1,38,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अगले माह शुरू होने जा रही है और इसको लेकर के नियोजन का शेड्यूल जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पहले कि जिस स्कूलों में छात्र अधिक और शिक्षक कम वहाँ अगस्त तक जो है भेज दिए जाएंगे शिक्षक। एक ब्रेकिंग न्यूज आज का, बिहार में शिक्षकों का जो है रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। आज का एक ब्रेकिंग न्यूज आप यहां पर देख सकते हैं, जिस स्कूल में छात्र अधिक और शिक्षक कम है वहां छात्रों के अनुपात में और शिक्षक भेजे जाएंगे। अगस्त तक राज्य के सभी जिलों में शिक्षक को छात्र अनुपात में रेशनलाइजेशन हो जाएगा। आपको बता दें ये प्रक्रिया अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा और नियोजित शिक्षकों का दूसरे स्कूल में भेजने का प्रावधान होगा, यानी कि अगस्त तक जो है अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जल्दी इसको लेकर के निर्देश जारी कर देगा विभाग। आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग का निर्देश है कि सबसे जूनियर शिक्षक को ही दूसरे स्कूल में भेजना है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जल्द ही सभी जिलों को इस संबंध में पत्र जारी कर देगा। 2016 के बाद स्कूलों में रेशनलाइजेशन की यह कार्रवाई होगी। नियोजन इकाई के आधार पर BDO और DO और DPO स्थापना की भूमिका जो है यहाँ पर इसमें होगा और यानी कि रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया में होगा और नियोजित शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजने की भी जो है कार्रवाई नियोजन इकाई के माध्यम से ही किया जाएगा। पहले पंचायत स्तर पर स्कूल और शिक्षकों की स्थिति का आकलन किया जाएगा, इसके बाद प्रखंड स्तर पर फिर जिला स्तर पर जो है स्कूलों का आकलन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने बताया कि अगस्त तक राज्य के स्कूलों में शिक्षकों का रेशनलाइजेशन हो जाएगा और इसके लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। विभाग को सूचना मिल रही है कि कई ऐसे स्कूल है जो वहाँ छात्रों के अनुपात में अधिक शिक्षक है जबकि कई स्कूलों में छात्र अधिक है और शिक्षक कम है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक आपको बता दें यहाँ पर कि जिला मुख्यालय के पास के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक है जबकि सुदूर यानी कि गांव में शिक्षकों की संख्या कम है। ऐसे में स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो रही है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रारंभिक स्कूलों में 1,00,000 शिक्षकों की कमी है, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक में बता दें आपको 1,00,000 शिक्षकों की कमी है और इसको लेकर के नियोजन प्रक्रिया के शेड्यूल जुलाई में जारी होने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक राज्य के प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक में 4,40,000 शिक्षक है। प्राथमिक स्कूलों में 3,19,000 नियोजित और 70,000 वेतनमान पर नियमित शिक्षक है। वहीं उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की बात करें तो 37,000 नियोजित शिक्षक है जबकि 7,000 पूर्ण वेतनमान वाले शिक्षक है। राज्य में 71,000 प्रारंभिक स्कूल है जबकि लगभग 6,000 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल है। वर्तमान में प्रारंभिक स्कूलों में 1,00,000 शिक्षकों की कमी है, वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में 38,000 यानी कि इन दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो 1,38,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का जो नियोजन का शेड्यूल है वो आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि इससे पहले यहाँ पर अगस्त तक जो है रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आज का एक ब्रेकिंग न्यूज तो फिलहाल